So guys, finally I arrived at Ramoji Film City. 50 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद मैं यहाँ पहुँचा हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे ये मेन गेट है इसका और दोनों साइड रामोजी फिल्म सिटी का लोगो है. आइए चलते हैं, देखते हैं. So this is the closest view. ये लोगो देखो कितना प्यारा लग रहा है. और ये है मेन गेट, ये देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू समथिंग अबाउट रामोजी फिल्म सिटी. रामोजी फिल्म सिटी वॉज फाउंडेड बाई रामोजी राव इन द ईयर 1966 एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड. बहुत सारे रिकॉर्ड हैं रामोजी फिल्म सिटी के और ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा फिल्म सिटी है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है. तो गाइस ये पूरा एरिया है फिल्म सिटी का. जैसे कि देख सकते हैं आप, ये मेन रोड सीधा अंदर तक जाता है. अभी यहाँ से 7 किलोमीटर अंदर है जहाँ पे लोकेशन शुरू होता है. आपको सेट वगैरह मिल जाएंगे लेकिन यहाँ तो बस ऑफिस है. Now I am so sad to telling you कि अभी मैं गार्ड से बात किया तो वो भाई बोल रहा है कि रामोजी फिल्म सिटी तो बंद है. लेकिन पता नहीं यार इनका क्या सीन है. इंटरनेट पे ऑनलाइन तो दिख रहा है कि हाँ खुला है, ओपन ऑल डेज टिल 5:30, लेकिन समझ में नहीं आया. बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मेरा यहाँ आके. और बस यहाँ गेट से पूछा तो बोल रहे हैं कि हाँ नहीं, अंदर नहीं जा सकते, फिल्म सिटी बंद है. लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या है यार. बोल रहे हैं कि ये मेन गेट नहीं है, मेन गेट उधर है. यार 50 किलोमीटर से चल के मैं यहाँ पे आया. ये है हैदराबाद का लास्ट एरिया पूरा. इधर से आंध्र प्रदेश शुरू होता है. एज यू कैन सी ये जो गेट है ये नॉर्मल गेट है. जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेन वीआईपी गेट है वो उधर है. लेकिन उधर खड़ा भी नहीं होने देंगे, जाके कोई मतलब नहीं है. मुझे लगा कि उधर जाओ तो शायद एंट्री मिल जाए, लेकिन कुछ है ही नहीं, सारा बंद है तो कोई मतलब नहीं है जाके. यहाँ तो खड़ा भी होने दे रहे हैं, एक दो पब्लिक दिख रही होगी लेकिन वहाँ वो भी खड़ा नहीं होने देंगे. बस वीआईपी पास वालों को एंट्री मिलता है लेकिन अभी तो वो भी नहीं हो सकता. आप देख सकते हैं जैसे जो भी है बस यहाँ आके बेचारे फ़ोटो लेके जा रहे हैं. मैंने भी बस सोचा कि कम से कम आ गया हूँ तो फ़ोटो वगैरह तो ले लूँ, तो बस फ़ोटो लिया, अभी जा रहा हूँ. देखता हूँ नेक्स्ट टाइम विजिट करूँगा. आई एम सो सैड राइट नाउ, क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो ये था, अभी नेक्स्ट टाइम देखता हूँ. वैसे भी पेंडेमिक में हर चीज़ तो बंद है. हैदराबाद का मोस्टली सी दो चार जगह घूमा तो खुला था, लेकिन यहाँ भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो बस मैं आपको यहीं तक दिखा पाया और नेक्स्ट टाइम मैं अंदर जाके पूरा सेट दिखाऊंगा, लोकेशन दिखाऊंगा. अभी तो फिलहाल इतना ही. कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गुस्सा हूँ, सैड हूँ, हंस रहा हूँ. फेस पे तो फेक वाली स्माइल है, पता ही नहीं चल रहा है कुछ.